नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बंधुओं, आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप अपनी शादी के लिए किसी को भी मनवा सकते हैं। जी हाँ, किसी को भी राजी करवा सकते हैं। कभी कभार घर वाले नहीं मानते हैं तो आप घर वालों को भी मना सकते हैं इस उपाय के द्वारा। कभी कभार लड़का खुद नहीं मानता है तो लड़की उसको मनवा सकती है। कभी कभार लड़की नहीं मानती है तो लड़की भी मनवाई जा सकती है, यदि उनमें पहले से ही प्रेम संबंध थे तो। साथ ही साथ लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले या कोई भी समाज का किसी को भी आप शादी के लिए मनवाना चाहते हो, जो अड़चन पैदा कर रहे हो उनको मनवाना चाहते हो, तो ये उपाय अवश्य करिए। बहुत ही आसान उपाय है, इसको आप करके देखिएगा। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको खुद कुछ ना कुछ घर में मीठा बनाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने मिक्स बनाया है। इसमें आटा है, मखाने हैं, बादाम है, अखरोट है, और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें शक्कर भी मिली हुई होनी चाहिए, कुछ मीठा ज़रूर होना चाहिए। फिर आपको उस मीठे को बीच में रखना है, और फिर आपको चार फल लगेंगे इसमें, चार फलों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसको आपको चार जगह पे रखना है, कोनों पे, और ऐसे फल हों जिनके अंदर बीज हों, जैसे सेब, अमरूद, ऐसे फल होने चाहिए, अनार, जिनके अंदर बीज होते हों, उसके चारों कोनों पे आपको मीठे का रख देना है। और फिर क्या करना है आपको, फिर आपको गंगा जल लेना है। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप पानी से भी काम चला सकते हैं, शुद्ध पानी हो, इसका ध्यान रखिएगा। फिर आपको पानी हाथ में लेना है, पानी हाथ में लेना है, और पहला मंत्र पढ़ना है, ओम काम पलाय नमः, और फल के ऊपर रख देना है। फिर आपको दूसरा मंत्र पढ़ना है, ओम काम प्रदत्ताय नमः, उसके ऊपर रख देना है। फिर आपको मंत्र पढ़ना है पानी लेके, ओम माधवाय नमः, फिर आपको रख देना है। और चौथा ओम केशवाय नमः, फिर आपको इस पे रख देना है। अब क्या करना है आपको, ये उपाय आपका हो चुका है। अब आपको ये जो चार फल हैं ये आपको किसी गरीब को देकर आने हैं, या फिर आप मंदिर में भी चढ़ा कर आ सकते हैं। और जो आपने मीठा बनाया है ये उस इंसान को खिलाना है जिसको आप मनवा रहे हैं शादी के लिए। यदि फैमिली को बनाना चाहते हैं तो फैमिली में खिलाइए, जिन जिन को आप मनाना चाहते हैं। लड़के को बनाना चाहते हैं तो लड़के को, लड़की को बनाना चाहते हैं लड़की को। यदि आप उसको नहीं खिला सकते हैं जिसको आप मनाना चाहते हैं, तो उसी के मिलते जुलती उम्र के, हम उम्र के या थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो बाहर किसी गरीब को खिलाइए। यदि आप फैमिली में मनाना चाहते हैं माता पिता को, तो वैसे ही बुजुर्ग को खिला कर आइए बाहर किसी को। यदि आप लड़के को, तो उसकी मिलते जुलते बाहर किसी गरीब को आपको खिलाना होगा। और ये उपाय आपको याद रखिएगा, शाम को 5 बजे के बाद करना है, और मंगलवार को छोड़ के आप किसी भी दिन ये उपाय अवश्य करिए, मंगलवार को छोड़ दीजिएगा। और आपको इसका करने के पश्चात आपको इसका लाभ, आपको कम से कम 21 दिनों में आपको एकदम से बदलाव दिखना लगेगा, परिवर्तन दिखने लगेगा सबके स्वभाव में। तो आप ये उपाय करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।